अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका मजीठिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर। अकाली दल के नेता है मजीठिया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विक्रम सिंह मजीठिया को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि ड्रग्स मामले में फंसे शिरोमणि अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब हरियाणा कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। उनकी अग्रिम जमानत की मांग को खारिज कर दिया गया है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पंजाब से हमारे साथ ब्यूरो चीफ, आपको बता दें कि स्वर्णजीत बाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वर्णजीत, विक्रम सिंह मजीठिया के लिए बड़ा झटका है। डीएम से शुरू हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, विक्रम सिंह मजीठिया के साथ लेटर पैड पर 20 दिसंबर का मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, 20 दिसंबर 2021 को एनडीपीएस एक्ट के तहत एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसे निचली अदालत में चुनौती देते हुए विक्रम सिंह मजीठिया निचली अदालत में गए और वहां से माननीय न्यायालय ने उन्हें उनकी अग्रिम जमानत जो है वो रिजेक्ट कर दी। उसके बाद वो हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट में उन्हें 10 जनवरी तक जो है एक 10 जनवरी को उन्हें राहत मिलती है, ये कहकर के राहत मिलती है कि अगली तारीख तक आप इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो और उन्हें जमानत जो है वो दी जाती है। लेकिन आज उनकी अग्रिम जमानत जो है वो रद्द कर दी गई है और 2 दिन पहले ही विक्रम सिंह मजीठिया ने बड़े आरोप लगाए थे कांग्रेस पार्टी पर और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर आरोप लगाए थे कि उनकी कहीं ना कहीं मिली भगत है खनन माफिया के साथ। तो आज जो है माननीय न्यायालय ने अग्रिम जमानत जो है वो रद्द कर दी और मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जी विक्रम, याचिका का खारिज होना पार्टी के लिए कितना ज्यादा नुकसान है और इस पर कोई चुनाव का असर भी तो नहीं पड़ेगा? चुनाव जैसे आने वाले हैं, इस पर कोई चुनाव तो संकट में नहीं आ जाए? देखिए, मैं पार्टी से संबंधित आपको जानकारी देना चाहूंगा। अभी कुछ ही समय पहले आनंद फानन में सुखबीर बादल की पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित की जाती है, यहीं से चंडीगढ़ से कुछ ही दूरी पर दोराहा पड़ता है, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है एक किसान के घर, एक वो क्योंकि वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, और एक सरपंच के घर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है और 4:45 का समय तय होता है। लेकिन कुछ ही समय में मैसेज फ्लोट कर दिया जाता है कि किन्हीं कारणों से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितना बड़ा एक तरह से श्रोमणी अकाली दल के लिए झटका है और श्रोमणी अकाली दल के लिए बहुत बड़ी बात। जी जी स्वर्णजीत, इस मामले पर राजनीति हो रही है, जैसे कि आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी सभी दल जमकर यहां पर इसे भून रहे हैं, तो क्या ये विपक्ष को लेकर भी यहां पर मतलब देखा जाए तो विपक्ष भी इसका फायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल, विपक्ष इसका फायदा, विपक्ष में ही मैं ये कहूंगा, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, विपक्ष में हरपाल सिंह चीमा जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता है, वो भी अभी कुछ ही समय में हो सकता है कि राघव चड्ढा इससे संबंधित जो है वो जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लेकिन इस समय अगर देखने वाली बात है कि कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है, क्योंकि अभी हम इस समय कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में है सेक्टर 15 और अभी कुछ ही समय पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात आम आदमी पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए उनके ऊपर आरोप लगाए कि उन्होंने जो नंबर दिया था, जो नंबर पंजाब के लोगों को दिया था, वो नंबर जो 20 लाख का डेटा दिया वो कहीं ना कहीं मनगढ़ंत है, वो आरोप लगे। और दूसरा, एकदम से मजीठिया की खबर आती है तो सिद्धू चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस को एकदम से रोक करके वहां से निकल जाते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको भुनाने का बहुत प्रयास करेगी, क्योंकि 2 दिन पहले ही मजीठिया ने दर्शन सिंह नामक एक व्यक्ति को लेकर के आते हैं मीडिया के समक्ष और टारगेट करते हैं चरणजीत सिंह चन्नी को, और चन्नी उन्होंने एक नारा, एक तरह से उन्होंने एक तंज कसा था चरणजीत सिंह चन्नी पे, उन्होंने कहा उनके जो भांजे के घर ईडी की रेड हुई थी तो उसका नाम हनी है, तो उन्होंने कहा कि चन्नी हनी एंड मनी CHM का जो खेल है वो पंजाब में रचा जा रहा है। ये 2 दिन पहले की बात है और हर खबर ने ये अपने दर्शकों को दिखाया भी था, लेकिन मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा, अभी 48 घंटे भी बीते नहीं है और आज जो है जमानत याचिका रद्द कर दी जाती है और इस समय श्रोमणी अकाली दल और विक्रम सिंह मजीठिया के लिए बहुत बड़ी एक तरह से मुश्किलात जो है वो इस समय उत्पन्न हो चुकी।
जी स्वर्णजीत, इससे बिक्रम सिंह मजीठिया की और भी आगे मुश्किलें बढ़ सकती हैं देखा जाए तो? बिल्कुल बढ़ सकती हैं। देखिए, पहले जब जमानत याचिका रद्द हुई थी तो पंजाब पुलिस ने अपना पुरजोर प्रयास किया था, लेकिन बिक्रम सिंह मजीठिया के अरेस्ट नहीं हो पाए थे और वो अंडरग्राउंड हो गए थे। कई जगह पर छापेमारी की गई थी, यहाँ तक कि उनके सरकारी आवास पर, एमएलए हॉस्टल पर भी छापेमारी की गई थी। और याद होगा अगर आपको, उस समय उनका मोबाइल फोन भी वहीं से ट्रेस हुआ था, एमएलए हॉस्टल उनके कमरे से। लेकिन इस बार हो सकता है कि पुलिस चांस ना ले, जैसे ही जमानत याचिका रद्द हुई है। अब ये देखने वाली बात है कि डीजीपी पंजाब जो है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या संबंधित अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे संबंधित गिरफ्तारी जो है अब उनके सर पर तलवार लटक चुकी है, क्योंकि माननीय न्यायालय ने जैसे ही जमानत याचिका रद्द की है तो यह स्वाभाविक सी बात है कि उनकी गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है, या पिछली बार की तरह वो एक बार फिर जो है पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाएं। ये तो देखने योग्य बात होगी और पंजाब पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। जी स्वर्णजीत, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।